50 का दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ भाईंदर के एक अद्भुत मेला में, जो कि सिर्फ 4 दिनों के लिए लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया है और अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें बनाई गई है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस मेला को और देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, सब कुछ कम्प्लीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कम्प्लीट टूर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं मेला में। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया है और अब हम चल रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। वहाँ से हम एंटर करेंगे, फिर अंदर पूरा कंप्लीट टूर करेंगे, कंप्लीट घूमेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत स्पेशल वीडियो ये होने वाला है, तो कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए। ये एंट्री गेट है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे। जैसे हम गेट के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा दिखती है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। और अगर आपको फ़ोटो देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे फ़ोटोज मैं अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पर शिवाजी का किला बनाया गया है, तो थोड़ी देर हम ये देखते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे।
इसके अंदर आर्ट का प्रबंध किया गया है। इसके अंदर बच्चे जाकर आर्ट वगैरह बनाते हैं, थोड़े थोड़े बच्चे, और यहाँ पर किसी स्कूल का प्रमोशन किया जा रहा है एडमिशन वगैरह का, तो यहाँ पर लोग एडमिशन ले रहे हैं। क्या बोल रहे? अभी इसके अंदर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं प्रोग्राम। महानगर पालिका असली तरी आता राज्यामध्ये डी आणि ईचं सरकार आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथराव शिंदेंचं। त्याच्यामुळे डेव्हलपमेंट हा विषय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे आणि एज्युकेशन तत्पर करणारे एकनाथराव शिंदे आहे आणि त्यांनी दाखवून दिलंय। मागे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्रजींनी कधी नव्हे एवढा निधी या शहराला दिला, त्यावेळेला नगर विकास मंत्री आदरणीय शिंदे साहेब होते आणि आता तर त्या यहाँ पर देख सकते हैं ये रेत से बनाया गया है, कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गरुड़ बनाया गया है। अब हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई गई है, वो हम देखेंगे।
अब हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर कुछ और पेंटिंग्स बनाई गई जो कि रेत से बनाई गई है, अपने आप में एक अद्भुत कला है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रेत में बनाई गई है और कौन कौन सी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और अब हम मेले में प्रवेश करेंगे जहाँ पे झूला वगैरह है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से झूले और वहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। अब हम मेला में प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं।